हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे एवं अपनी पढ़ाई एवं सेहत का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं आपको राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 16 का प्रश्नावली नंबर 16.1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार जो हमें घनाभ की जो लंबाई है कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट बंद लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम संख्याओं को रख देंगे। तो ये 2 की जगह 2 रख दिया, लंबाई की जगह 12 इंटू चौड़ाई है 9, तो दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन है, फिर इसकी चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर और इस गुणा, फिर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, फिर प्लस का साइन, फिर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर इंटू लंबाई 12 सेंटीमीटर, ब्रैकेट बंद। फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 का 2 और ये 12 9 108 और 9 5 45 और 12 5 60। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो मतलब जो इनका योग हो जाएगा 213 और ये 2 बाहर ब्रैकेट के बाहर था तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 213 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 426 वर्ग सेंटीमीटर। तो अभी हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन अभी क्या करना है, अभी आयतन भी ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हम इसी फॉर्मूले के अनुसार इन संख्याओं को रख देंगे। तो लंबाई है 12 सेंटीमीटर इंटू इसकी चौड़ाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो 12 9 108 और 108 5 540। तो 540 घन सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो दोस्तों आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। तो इसमें 3 घनों की भुजाएं क्रम से जो है ना 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार तीनों घनों की भुजाएं क्या क्या है, 8 सेंटीमीटर, 1 6 सेंटीमीटर का घन है और 1 सेंटीमीटर का घन है। तो इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया जो घन बनेगा ना उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो इन तीनों घनों के आयतन को जोड़ देंगे तो नए घन का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों घनों का आयतन को जोड़ देते हैं तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब, दूसरे का भुजा क्यूब मतलब 6 का क्यूब और तीसरे का 1 का क्यूब, क्योंकि घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। अतः इन तीनों का आयतन, जैसे इसका पहले वाले घन का आयतन हो जाएगा हमारे पास 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 × 8, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 6 का 3 बार गुणा करेंगे 6 का क्यूब तो क्या हो जाएगा, 216 और इसी प्रकार 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास इनका तीनों का सम आ जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 729 घन सेंटीमीटर। तो ये जो बड़े वाला जो घन बना ना उसका आयतन हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास अगर बड़े वाले घन का आयतन हमने हमारे पास आ गया है तो इससे क्या कर लेंगे, हम बड़े वाले घन की भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो इसका क्यूब रूट कर देंगे, जो बड़े वाले घन का आयतन जो आया ना 729 उसका क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। तो ये बड़े वाले घन की भुजा है, क्यूब रूट करने से घन की भुजा आती है। तो बड़े वाले घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार जो हम अब नए वाला जो घन है ना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 6 × भुजा स्क्वायर। तो 6 की जगह 6 रख देंगे और इंटू भुजा कितनी थी उसकी, 9 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 81 को इंटू 6 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 486 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि बड़े वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है, इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन में हमें इसका जो आयतन के फॉर्म में इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो संदूक क्या होता है, घनाभ होता है, और घनाभ के आयतन का इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के फॉर्म में हमें तीनों चीज़ें दे रखी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई की इसकी जो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 36 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो हमें संदूक को जो ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कितना कपड़ा चाहिए उसको निकालने के लिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसी फॉर्मूले में जो संख्या है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को रख देने से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और वही इसका कपड़े का क्षेत्रफल होगा, मतलब कितना कपड़ा चाहिए होगा उसका माप आ जाएगी उससे हमें। तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से रख देंगे, 2 की जगह 2, और लंबाई ब्रैकेट लंबाई 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, तो गुणा में 36 चौड़ाई है इसकी, और इसी प्रकार प्लस का साइन, फिर 36 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और गुणा ऊंचाई हो जाएगी इसकी 25 सेंटीमीटर, फिर प्लस का साइन है, फिर 25 इसका हो जाएगा ऊंचाई, और गुणा फिर इसको लंबाई से गुणा कर देंगे तो लंबाई इसकी 50 सेंटीमीटर है। तो फिर आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 का 2 ब्रैकेट में 50 इंटू 36 करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई 1800 प्लस 36 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा आएगा 900, और 25 इंटू 50 करेंगे तो इसका आ जाएगा 1250, इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योग आ जाएगा 3950, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 7900 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही कपड़े की माप होगी, अतः जो कवर बनाने के लिए जो कपड़ा लगेगा उसकी जो है माप कितनी होगी, 7900 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि यही आंसर है।